जिला कोरम के इलाके अरावली में सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑपरेशन, दहशतगर्दों से झड़प में 3 फौजी जवान शहीद। ISPR के मुताबिक जवानों ने दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला किया और उनके ठिकाने को निशाना बनाया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर की मुलाकात, आर्मी चीफ ने मुल्की अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। मुजफ्फराबाद के सियाहती मकाम पी चनासी में सियाहों की 30 गाड़ियां बर्फ में फंस गई। पुलिस के मुताबिक मुसाफिरों को दूसरी गाड़ियों में मुंतकिल करने के लिए इमदादी ऑपरेशन जारी है। तहरीक इंसाफ का कल से महंगाई के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। फवाद चौधरी कहते हैं महंगाई, बिजली, गैस, लोड शेडिंग के खिलाफ कल से सड़कों पर होंगे। और मुआशी बहरान से निपटने का प्लान, हुकूमत का चीन और सऊदी अरब से 6 अरब डॉलर कर्ज लेने के लिए मुज़ाकरात जारी। वज़ीर मुमलिकत आयशा गौस पाशा का कहना है कि मुल्क के डिफॉल्ट होने का कोई इम्कान नहीं।